गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर. टुडे वी विल रिवाइज अवर चैप्टर 32 ऑफ जीके बुक, ऑप्टिकल इल्यूजन. यानी कि देखकर, दृश्य से, मतलब हमें कुछ ऐसा देखकर उससे इल्यूजन होना, मीन्स भ्रम होना कि होता एक्चुअल में कुछ हो रहा है और हमें कुछ और दिखाई देता है. लुक एट द फ्लोइंग ऑप्टिकल इल्यूजन एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स. यू मे यूज द हेल्प बॉक्स. फर्स्ट, जैसे कि पिक्चर है, इसमें गिवन पिक्चर में अगर हम इसको ब्लैक ब्लैक इन ब्लैक, यू कैन रीड द वर्ड. जो ये ब्लैक कलर है, इसमें अगर हम इस वर्ड को रीड करते हैं तो जी डबल ओ और डी हमें जो है दिखाई देता है, और जिससे बनता है जैसे कि गुड. बट द वर्ड दैट अपीयर्स इन द वाइट इज, पर जो व्हाइट स्पेस है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या जो है इसे क्या वर्ड दिखाई दे रहा है, इविल. यस, इविल. नाउ नेक्स्ट इज सी द पिक्चर. व्हेन यू लुक एट द येलो स्पेस, जब हम इस येलो स्पेस को देखते हैं, यू विल रीड द वर्ड ऑप्टिकल, व्हाइल द ब्लैक लैंडस्केप स्पेल. और जब हम इस ब्लैक कलर को ही, ओनली ब्लैक कलर को ही देखते हैं तो हमें क्या वर्ड दिखाई देता है, इल्यूजन. इल्यूजन. यस. नेक्स्ट इज सी द पिक्चर. यू प्रोबेबली रीड द वर्ड मी, बट अगर हम इस वर्ड को रीड करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे एम एम बनता हुआ दिखाई देता है और ये हो गया ई, तो ये बना एम ई. यू प्रोबेबली रीड द वर्ड मी, बट व्हेन यू लुक थ्रू मी यू विल आल्सो सी द वर्ड. अगर हम इसके अंदर जो ये व्हाइट स्पेस है इसको अगर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, यू, वाई ओ यू. नाउ नेक्स्ट इज सी द पिक्चर एंड टेल मी हाउ मेनी हॉर्सेज कैन यू सी इन दिस पिक्चर. यस, सी इट केयरफुली एंड टेल मी हाउ मेनी हॉर्सेज कैन यू सी इन दिस पिक्चर. तो यहां हमें कितना इल्यूजन होता है कि कितने हॉर्सेज हैं, हम काउंट नहीं कर पा रहे, बट इन एक्चुअल दीज आर टोटल 5 हॉर्सेज. इन फिफ्थ, विच वर्ड डू यू सी व्हेन यू लुक एट द व्हाइट स्पेस. अगर हम सिर्फ व्हाइट व्हाइट स्पेस को, इसमें ब्लैक जो ये स्ट्रिप है इसमें अगर हम व्हाइट स्पेस को देखते हैं तो हमें क्या वर्ड दिखाई देता है, एल आई एफ टी. यस, लिफ्ट. नाउ नेक्स्ट, यू प्रोबेबली सी अ स्कल. अगर हम दूर से इस पिक्चर को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक जो है स्कल दिखाई दे रही है. बट यू कैन आल्सो सी अ वीमैन लुकिंग इन टू ए वैनिटी मिरर. लेकिन जब हम इसको बड़े ध्यान से इसमें देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक जो है वीमैन वो जो है एक मिरर में, वैनिटी मिरर में जो है देख रही है. तो ये हमें इल्यूजन होता है. फर्स्टली जब हम इसको, फर्स्ट अपीयरेंस जो हमारी होती है उसमें हमें कुछ और दिखाई देता है और एक्चुअल में कुछ और होता है. नाउ इन रियल लाइफ वी कैन हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सम सेम थिंग्स, सो वी शुड ऑब्जर्व थिंग्स केयरफुली. हमें कभी भी ऐसा इल्यूजन मीन्स भ्रम हो सकता है, तो इसलिए हमें कुछ भी वर्ड है या कोई भी थिंग है हमें उसे ध्यान से देखना चाहिए. अमेजिंग फैक्ट्स. अ मैजिशियन यूज ऑप्टिकल इल्यूजन. अ म्यूजिशियन यूज इज ऑप्टिकल इल्यूजन टू शो मैजिक. मूवीज ऑल्सो यूज ऑप्टिकल इल्यूजन टू शो द स्क्रीन मूविंग. यानी कि ये जो इस तरह के इल्यूजन है वो जो है, जैसे कि म्यूजिशियन भी जो जादूगर होता है वो भी इसका यूज करता है, और इसी तरह से मूवी में भी जो है ऑप्टिकल इल्यूजन का यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज
universally known famous character. We will read in this video 33 chapter also. Universally known famous character. ऐसे characters जो हमने movies में देखे होते हैं या फिर books में read किए होते हैं, चाहे वो cartoon network है या कुछ भी ऐसे, जो तो वो करेक्टर जो है वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं और उनका नाम लेते ही हमें पता चल जाता है उसके उस करेक्टर का कि ये वो है. तो इसी तरह से आप इस पिक्चर में देखोगे और देख के मुझे ये बताओगे कि ये जो है, ये जो करेक्टर है इसका क्या नेम है. ही इज अ यंग विजार्ड. ही इज अ यंग विजार्ड हु विद हिज फ्रेंड स्ट्रगल अगेंस्ट अ डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हु इंटेंड्स टू बिकम इमोर्टल. यानी ये जो विजार्ड है, ये एक दूसरा जो डार्क विजार्ड है उसके साथ फाइट करता है, मतलब स्ट्रगल करता है और जो है उसके ऊपर मतलब कंट्रोल करता है उसको, जो कि अपने आप को इमोर्टल यानी कि अमर बनाना चाहती है. तो इस ये उसके अगेंस्ट ये जो है फाइट करता है. तो इस कैरेक्टर का क्या नेम है. Yes, see the picture and read the description. Yes, Harry Potter. Harry Potter is a young wizard who with his friends struggle against a dark wizard. Yes, next is she is an orphan girl. She is sent to live with her grandfather, who is a lonely, angry man living at the top of a mountain. She is happy in all situation. ये जो girl है, ये अपने grandparents के साथ, grandfather के साथ रहती है, जो कि अकेला है और उनको बहुत गुस्सा आता है. और mountain पे ये रहते हैं और ये हर एक situation में, चाहे कितना ही difficult situation हो, ये हमेशा खुश रहती है. तो इसका क्या नेम है. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर. हेडी. हेडी एच ई आई डी आई हेडी. नेक्स्ट इज ही इज द वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव. ही इज द हु इज द वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव हु सॉल्व्स द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस विद हिज कीन ऑब्जर्वेशन. कीन ऑब्जर्वेशन पावर मीन्स बारीक ऑब्जर्वेशन पावर है उसके पास, छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है. एंड लॉजिकल रीजनिंग, और कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग लगाकर उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देता है. तो इसका क्या नेम है. सी द पिक्चर एंड टेल द नेम. Yes, he is the world famous detective. Who is the world famous detective? Sherlock Holmes. Yes, Sherlock Holmes. Next, she is a simple and beautiful girl. She is a simple and beautiful girl who lives with her इविज स्टेप मदर. स्टेप मदर मीन्स सौतेली माता जो होती है, सेकेंड मदर. एंड टू स्टेप सिस्टर, यानी जो सेकेंड मदर होती है उससे उसकी जो है टू सिस्टर होती हैं. सी लीव्स अ ग्लास स्लीपर एट द ग्रेट बॉल. फाइनली द ग्लास स्लीपर हेल्प्स द प्रिंस टू रिकॉग्नाइज हर. The prince marries her in a grand ceremony. Who is she? See the picture and tell the name of this girl. Who is a simple and beautiful girl who lives with her evil stepmother and two stepsister. Yes, tell the name. Cinderella. Yes, Cinderella is a simple and beautiful girl who lives with her evil stepmother and two stepsister. She leaves a glass slipper at the great ball. Finally, the glass slipper helps the princess to recognize her.
द प्रिंस मैरिज हर इन अ ग्रैंड सेरेमनी. यस नाउ क्विज टाइम. इन क्विज टाइम स्टुअर्ट लिटल इज अ वर्ल्ड फेमस. स्टुअर्ट लिटल का भी आपने नेम सुना होगा. ये देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है. इसका क्या नेम है? स्टुअर्ट लिटल. स्टुअर्ट लिटल जो है, जैसे कि आप उसमें देखते हो एक सीरियल आता है, जैसे कि उसमें आपने इस करेक्टर को देखा हुआ है. इसकी काफी सारी जो है स्टोरीज हैं. तो स्टुअर्ट लिटल इज अ वर्ल्ड फेमस माउस. यस. नाउ सेकंड इज टार्जन हैज बीन रेज्ड इन द. टार्जन भी एक जो है करेक्टर है. और ये कहाँ पे जो है इसको रेज किया गया था? टार्जन हैज बीन रेज्ड इन द अफ्रीकन जंगल्स. इन अफ्रीकन जंगल्स. नाउ अमेजिंग फैक्ट्स. हैरी बर्थ डेट इज 31 July 1980. J.K. Rowling, author of the Harry Potter series, birth date is also 31st July, but in 1965. यानी हैरी पॉटर जो करेक्टर है उसका और जो हैरी पॉटर सीरीज बुक जो है जिसके अंदर मेन करेक्टर है हैरी पॉटर, J.K. Rowling ने जो है इसको राइट किया था, और उनका और हैरी पॉटर का बर्थ डेट जो है वो डेट सेम है, ईयर डिफरेंट है. यस. नाउ रियल लाइफ. इन रियल लाइफ रीड गुड बुक्स. रीड गुड बुक्स, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. यस ओक्यूटा, थैंक यू. रीड रिवाइज योर बोथ चैप्टर 32 and 33 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. ओके बेटा, थैंक यू.